BJP workers donning saffron caps filled the streets outside historical Benares Hindu University for protest against the Election Commission over the party's prime ministerial nominee Narendra Modi being refused permission for a large rally in the city of temples. Speaking exclusively to NNIS, Shobha Oja, Congress's national spokesperson, today termed the whole episode as a drama and accused the saffron party of violating the code of conduct. Shobha Oja assailed the BJP and their strategies for protesting against the poll panel for being refused permission for a large rally in Varanasi. Shobha Oja assailed the BJP and their strategies for protesting against the poll panel for being refused permission for a large rally in Varanasi. Calling the whole episode a drama, Oja also targeted Saffron Party's PM designate Narendra Modi for polarizing the nation in the name of caste. जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये नौटंकी कर रही है बहुत गलत है. इलेक्शन कमीशन इस देश में है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की और वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं. एक तरफ खुद इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़ती है. कई जगह जिस तरह से सांप्रदायिक भाषण भारतीय जनता पार्टी की चाहे अमित शाह हो चाहे तमाम नेता हों गिरिराज हों जिन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी धर्म के नाम पे और फिर मोदी ने खुद जाति के नाम पे ध्रुवीकरण की कोशिश करी खुद नियम कायदे कानून तोड़ते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पे जो कि बिल्कुल गलत है. भारतीय जनता पार्टी ये नौटंकी कर रही है क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि बनारस की लड़ाई आसान नहीं है. बनारस में एक टफ फाइट है और बहुत बड़ा एक चैलेंज है और उसको देखते हुए ये इस तरह की हथकंडे अपना रहे. The Congress spokesperson was seen defending the EC's move. 5 रैलियां की मांग उन्होंने करी थी जिसमें से 4 की उन्हें इजाजत मिली है और 1 जिला प्रशासन ने ठीक नहीं समझा होगा किसी कारण उन्हें इजाजत नहीं मिली है तो उसका ये मतलब नहीं. तमाम रैलियां हिंदुस्तान भर में पूरे चुनाव में करी कहीं भी कोई रोक टोक नहीं रही है. कुछ कारणवश अगर इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन एकाध रैली को किसी भी नेता की रोकता है तो इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन कमीशन कहीं भी कोई जाति कर रहा है. Further sharpening her attack on Modi, the Congress leader added that these are the tactics resorted by Namo while keeping in view slip of power chair from his hand. तमाम नाम वो दे रहे थे और जब अब उन्हें समझ आ रहा है कि कुर्सी उनसे बहुत दूर है इसलिए इस नौटंकी में वो इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं. जब उन्हें लग रहा है कि वो सत्ता उनके हाथ में आती दिख नहीं रही है तो हर तरह के कार्ड खेल रहे हैं. मंदिर का इशू भी उन्होंने उठाया. ये तमाम मुद्दे वो उठाकर एन कैन प्रकार सत्ता में आना चाहता है. कुर्सी और केवल कुर्सी उन्हें नजर आ रही है और उसके लिए वो किसी भी स्तर पे उतर के राजनीति करने को तैयार है. उसी का एक एग्जाम्पल हम अभी बनारस में देख. पावर्ड बाय NNIS.